नमस्कार। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो खुश रहेगा भारत में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं राम अवतार शर्मा और मैं पिछले 17 साल से न्यूरोथेरेपी में कार्यरत हूं और हमारे साथ में है मिसेज लक्ष्मी कुमार। यह एक योगाचार्य हैं और साथ में नेचुरल थेरेपिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे, सीवियर एक बीमारी होती है जो व्यक्ति को कभी भी हो सकती है और किसी भी समय हो सकती है, उसको हम बोलते हैं पैनिक अटैक। ये पैनिक अटैक क्यों होते हैं और ये कभी भी होते हैं और ये इसका मुख्य क्या कारण है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसकी काउंसलिंग करके इसको खत्म करें, क्योंकि पैनिक अटैक्स एक अपने आप में बहुत ही गंभीर बीमारी है। क्योंकि यह जब हो जाती है तो व्यक्ति अपना काम खत्म कर देता है, फैमिली में ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, अपने बिजनेस में ज्यादा लगाव नहीं रख सकता और वो कुछ ना कुछ उसको परेशानी होती रहेगी। तो आइए हम बात करते हैं अभी लक्ष्मी जी से कि पैनिक अटैक आज के समय में क्यों होते हैं और इसका क्या मुख्य कारण है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या हम इसका न्यूरोथेरेपी और योग में ट्रीटमेंट आपको करके देंगे और कैसे हम इसको आपसे दूर करेंगे। जी नमस्कार। पैनिक अटैक आज हमारे मानसिक विकार के सीरीज में दूसरा टॉपिक पैनिक अटैक है। इसके सिम्टम्स के बारे पहले हम बात करेंगे। सिम्टम्स की आप कैसे पहचाने कि किसी को पैनिक अटैक आया है। पैनिक अटैक जब होता है किसी बंदे को या घर में किसी को हो या आपके आसपास किसी को, तो उसका पहला सिम्टम्स होता है कि उनको स्वेटिंग बहुत अचानक से आने लगती है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, या हाथ पैर उनके ठंडे पड़ जाते हैं, या उनके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रीथिंग लेसनेस हो जाता है, वो सांस लेने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है। तो पैनिक अटैक जैसे उन्होंने बताया कि उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, छाती भारी हो जाएगी, एकदम हाथ पैर नम हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि जब पैनिक अटैक व्यक्ति को पड़ता है तो वो रोने लग जाता है और वो रो ही जाएगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा और कहेगा कि मुझे क्या हो गया। पैनिक अटैक का सबसे बड़ा कारण है आज का समय में डर, कि भाई मुझे कोई मार ना दे, कोई मेरे साथ कोई घटना घटित ना हो जाए, मेरा बच्चा गया हुआ है स्कूल में तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरी मिसेज घर में आज नहीं है तो वो क्यों नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, तो व्यक्ति को पैनिक अटैक आएगा। ये पैनिक अटैक एक ऐसा डिसऑर्डर है कि ये अपने आप में एक गंभीर है, इसको आपने सीरियस लेना चाहिए और सीरियस आप तभी लेंगे जब आपको पता होगा कि पैनिक अटैक ही है या कुछ और है। ध्यान से देखिए, पैनिक अटैक एक अपने आप में गंभीर समस्या है ही है, यह घर वालों के लिए भी एक गंभीर समस्या हो जाती है क्योंकि घर वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई हम इसको कहां लेके जाएं, क्या करें, अभी व्यक्ति अभी ठीक है और 2 मिनट के अंदर उसको पैनिक अटैक का अटैक आया और वो एकदम घर वाले परेशान हो गए, कोई काम पे है तो उसने फोन किया कि उसको फलाने को फलाना हो गया, जल्दी आओ, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो स्कूल में फोन गया कि भाई फलाना को ऐसा हो गया, ये हो गया, जल्दी आओ वापस, और घर का माहौल एकदम खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट आप उससे बातचीत करेंगे तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और घर का माहौल सही हो जाएगा। तो पैनिक अटैक्स आप समझते हैं कि इसका जो मुख्य सबसे बड़ा कारण है कि किसी सगे संबंधी का मर जाना, आप सुन लेते हैं कोई सगे संबंधी मर गया और व्यक्ति पैनिक हो जाता है, अचानक आप लिफ्ट में और लिफ्ट अचानक से बंद हो गई, आप पैनिक हो गए यार लिफ्ट बंद हो गई अब मैं मर जाऊंगा, आप सही जगह पे आप मेट्रो लाइन में खड़े हैं, आप ऊपर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आप सोच रहे हो कि मेट्रो जो मेरे ऊपर ही आकर चढ़ जाए, अरे भैया जब आप इतनी दूर बढ़ गए आपके ऊपर चढ़ कैसे जाएगी, आप डर गए भाई यार आतंकवादी अटैक हो गए कहीं मुझे ही ना मार दे। आप सोचिए आप सीपी में गए, सीपी में आप आराम से खड़े हो और डर रहे हो, बोले यार बस आ रही है कि मेरे ऊपर ही ना चढ़ जाए। तो ये पैनिक अटैक के कॉजेज होते हैं। पैनिक अटैक आपको जेनेटिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और ये कई तरीके से भी हो सकता है। पैनिक अटैक आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि पैनिक अटैक के लक्षण ही ये होते हैं, जब भी आपको लक्षण है तो आपको सीरियस इसको लेके तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको फिर ट्रेडिशनल थेरेपी में आना चाहिए, न्यूरोथेरेपी में जाना चाहिए, योग में जाना चाहिए, आपको नेचुरोपैथी में जाना चाहिए और एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पूर्ण ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वहां पर भी आपके साथ 1 या 2 दिन में आप ठीक नहीं होंगे, वहां पर भी आपके साथ समय लगेगा और आपको समय देना पड़ेगा कि भाई आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, हो सकता है आपका पैनिक अटैक खत्म होने में 15 दिन भी लग जाए, हो सकता है आपको महीना भी लग जाए और हो सकता है आपको 2 महीना भी लग जाए और हो सकता है आप 4 दिन में ठीक हो जाए। ये आपकी शारीरिक और मानसिकता के ऊपर तय होता है कि आप कितनी देर में ठीक होते हैं, आपने किस चीज को कितनी देर में एक्सेप्ट किया और कितनी देर में उसका रिजल्ट आपने सामने वाले को दिया, ये आपके ऊपर है। आइए तो अभी हम इस पैनिक अटैक में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम इसमें
ऐसा कौन सी क्रिया है या ऐसा कौन सा खाना है जो हमें बिल्कुल इसमें अवॉइड करना चाहिए पैनिक अटैक में? पैनिक अटैक में अवॉइड करने में सबसे पहला स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं या किसी तरह का अल्कोहल ले रहे हैं तो ये सारे बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट होते हैं, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। इनके वर्ड्स, इनके साथ आपको अवॉइड करना चाहिए चाय कॉफी जो एक उत्प्रेरक का ही काम करते हैं, इसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। और खाने में सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ओमेगा 3 जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है वो, टोफू, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें लो फैट्स हैं वो लेना चाहिए। आइए समझते हैं पहले हम कि पैनिक अटैक होते क्यों हैं। पैनिक अटैक घर का कुछ एटमॉस्फेयर, किसी की फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है, घर में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी या बार बार इग्नोरेंस या बार बार लड़ाई झगड़े, ये कारण से आदमी की फुल लाइफ एक स्ट्रेस हो जाती है जिस कारण पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, क्योंकि उसको हर बात में अब डर लगता है कि कहीं कोई छोटी सी बात हो जाए तो झगड़ा हो जाएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। दूसरा कारण होता है कि अगर पास्ट हिस्ट्री में कोई एजॉल्ट हुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट जो दिमाग में घर कर गया हो तो आदमी उस चीज को याद करके काफी डर जाता है कि एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई बच्ची है या कोई फीमेल ही है एडोलेसेंट या प्रौढ़ है उम्र में ही, अगर किसी का रेप हो जाए या कोई फिजिकली असॉल्ट कर दे तो उनके दिमाग में बिल्कुल एक बैठ जाता है डर, तो दुनिया से कटने लगते हैं। और कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट सुने या कुछ फील करे, देखे न्यूज में, तो उनको ऐसे अटैक्स आ जाते हैं। तीसरा आपका इसका बहुत मेजर कारण होता है कि फियर ऑफ लूजिंग समवन। आपने किसी अपने बिलव्ड वन को खो दिया हो नियर बाई पास्ट में, ब्रेकअप्स हुए हो, तो आपको ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं। या फिर कोई एक्सीडेंट, जैसे आपने कोई बड़ा एक्सीडेंट देख लिया इस तरह का, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर गया हो, जैसे कभी डिवोर्स हो जाना या कभी यंग एज में अपनी बेबी को खो देना, इन सब इसके कारण होते हैं। तो पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स से अगर आप देखते हैं किसी को पैनिक अटैक्स आ रहा है तो पहले आप उसके रीजन में जानने की कोशिश कीजिए कि उसको ये आ क्यों रहे हैं, और फिर काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए। खाने में आपको वही उनको पॉजिटिव चीजें देनी होंगी, जिस जो नेगेटिव चीजें हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल मैंने बताया शुरू में बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए अगर कोई बंदा ऐसा लेता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं वो अपने दुख और दर्द को भुलाने के लिए अधिकतर अल्कोहल का सहारा लेते हैं और अपने दिमाग को शांत करते हैं। अगर आप एलोपैथ पे जाते हैं तो आपको एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं जिसको खाकर आप घंटों सोए रहते हैं, और इससे क्या होता है आप मोटे भी हो जाते हैं और देखेंगे आप अधिकतर कि मेंटल डिसऑर्डर से जो भी बंदा गुजर रहा होता है उसकी भूख काफी बढ़ जाती है, तो वो खाना बहुत बेहिसाब और अनलिमिटेड खाते हैं अपने पेट से बहुत ज्यादा, और दिन भर चूंकि एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं तो वो सोए रहते हैं, इनसे उनका वेट काफी डाउन हो जाता है। तो आपको खाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अल्कोहल और सारे इस निगेटिव प्रोडक्ट्स को बिल्कुल खाने से हटा देना है। साथ में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन मील्स और जो फूड नट्स जो आपके आते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें अखरोट, बादाम, इन सब की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। साथ में ओमेगा 3 एनरिच फूड, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो जरूर दें। चाहे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो टूना और सलमन ओमेगा फिश जो आती है उसमें ओमेगा 3 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है फिश ऑयल में। अदरवाइज आप अगर वेजिटेरियन हैं तो अखरोट और फ्लैक्स सीड इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, इसमें आपको पूरी मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाती है। बाकी आप कुछ यौगिक क्रियाएं जैसे योगाभ्यास में आप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड जो क्रियाएं दिमाग को शांत करती हैं, जैसे प्राणायाम, इसमें आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम करके दिमाग को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। किसी रिलैक्सेशन पोज में डेली का अभ्यास कर सकते हैं, सब आसन, मकर आसन, शशक आसन, इन सब में आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं, बिल्कुल माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और धीरे धीरे वो रिकवर कर जाता है। यौगिक अभ्यास में आप षटकर्म में कपालभाति का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं, पर ये सब क्रियाएं आप किसी योग एक्सपर्ट के देखरेख में जरूर करें। आप देखेंगे कि एक आप उदाहरण लीजिए कि पैनिक अटैक कैसे आपको आपके ऊपर हावी होता है। आप उदाहरण लीजिए, आप किसी लिफ्ट में अंदर गए और उस लिफ्ट में अंदर खड़े हो और लिफ्ट थोड़ी सी चलने के बाद लिफ्ट बंद हो गई और उसमें लिखा रहता है कि आप लिफ्ट बंद होने पर सुरक्षित हैं, पैनिक ना हो। उसके बावजूद भी वो पढ़ने के बाद अगर 2 मिनट लिफ्ट बंद हो जाती है, 3 मिनट लिफ्ट बंद रह गई, तो आपके अंदर एक
अलग तरह की ऊर्जा संचालित होगी और आप पैनिक होते जाएंगे, धीरे धीरे पैनिक होते जाएंगे, 5 मिनट हुआ 7 मिनट हुआ 10 मिनट हुआ तो आप देखेंगे कि पसीने से नहा रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको घबराहट बढ़ती जा रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, सांस आपकी फूलती जा रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे और कहे कि यार अब क्या होगा मेरा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए, जब आपको ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे मैं अंधेरे में हूं, पता नहीं क्या होगा, बेहोशी हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा एकदम, जैसे हार्ट उसका काम करना बंद हो गया। ऐसे समय पर आप सबसे बड़ा, मैं आपको बताता हूं, पैनिक अटैक से तुरंत आपको ठीक होना है तो व्यक्ति के माइंड को तुरंत डाइवर्ट कर दीजिए। आपको पैनिक अटैक से बचना है तो व्यक्ति के माइंड को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बूढ़ी हो, आप उसके दिमाग को तुरंत डाइवर्ट कर दीजिए। आप माना, आपने देखा कि किसी को पैनिक अटैक पड़ रहा है और देखा को वो एकदम परेशान हो गया और बहुत भयंकर अटैक आ गया, तो आप बोल रहे यार ये तो लिफ्ट खोलने वाले आ गए, चलो भाई जल्दी से खोल दो लिफ्ट को, यार क्या करते हो इतनी देर से हम इसमें परेशान खड़े हैं, तुम्हें यार बताओ दिमाग नहीं है, हमें परेशान कर दिया। सामने वाला देखेंगे एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत होगा, ठीक है आ गए, अभी तुम्हें बच जाऊंगा भाई, मैं मर रहा था नहीं तो, अबे ना तो तू मर रहा था ना तेरे अंदर कुछ और प्रॉब्लम थी, 5 मिनट लड़े में तेरा क्या जा रहा था भाई। लेकिन व्यक्ति आज के समय में इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि वो छोटी छोटी चीजों पे पैनिक होता है, छोटी छोटी चीजों पे पैनिक होता है। मतलब आप देखेंगे कि व्यक्ति को किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आप गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, आप उसको समझा दीजिए, आप उसके ऊपर पैनिक उग्र मत होइए। तो वही हाल है आपके परिवार में, आपने देखा किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक पड़ रहा है तो आप तुरंत तो उसके माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, सेकंड के अंदर माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, बोला भैया फलाना देख तेरे घर में ऐसा हो गया है, देख तेरी सास का फोन आया है, देख तेरी मैसेज फलानी जगह है, देख तेरे बच्चे को फलाने ने पीट दिया, देख तेरे साथ ऐसा हो गया। उसका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि पैनिक अटैक कहां गया, एक सेकंड के अंदर वो पैनिक अटैक आपका ठीक हो जाएगा। आपके परिवार में, रिश्तेदार में, स्कूल में, बिजनेस ऑफिस में, किसी भी जगह आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो पैनिक अटैक का शिकार होता है, आपके सामने ऐसा हो रहा है, तो आप किसी न किसी तरह से उसके बातों में लगा के उसके माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, आपका पैनिक अटैक तुरंत खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे सबसे बड़ी बात है कि पैनिक अटैक वाले व्यक्ति को बोलिए कि भैया आप मेडिटेशन कीजिए, आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, आप योगा के आसन करिए, सबसे बड़ी बात आप उन आसनों को करिए, आप उन व्यायाम को करिए, आप उन प्राणायाम को करिए जो आपके माइंड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। जितने भी माइंड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिया ऐसी होती है कि हमारे माइंड से आगे जो मैसेज फॉरवर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और उनके रुकने के कारण हमारे शरीर का कोई ना कोई एक पार्ट अस्थिर हो जाता है, काम नहीं करता, जिसके कारण हमें ये बीमारियां आ जाती हैं। तो जितना भी योगा आप करते हो, जितने भी योगा के चाहे एक्सपर्ट हो आप, जो भी योगा करो उसमें आपने वही योगा का आसन, वही प्राणायाम, वही जो भी आपने करना है वो वही करना है कि आपके माइंड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है। आपके माइंड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका जो नर्वस सिस्टम वो बहुत बेहतरीन काम करेगा, नर्वस सिस्टम बहुत बेहतरीन काम करेगा तो आपके जो मैसेज है, जो मैसेज फॉरवर्ड होते हैं वो बहुत अच्छे से मैसेज फॉरवर्ड होंगे, कोई क्लॉट नहीं आएगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, कोई नमनेस नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी आपको बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी, कोई भी आर्टरी आपकी प्रॉब्लम कर जाएगी, कहीं से भी कोई भी आपकी नर्व ब्लॉक हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, हो सकता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो जो भी माइंड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, चाहे एंजाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे ओसीडी है, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, चाहे पैनिक अटैक है, चाहे मोटर न्यूरॉन है, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, चाहे मायास्थेनिया ग्रेविस है, चाहे मेनिनजाइटिस है, मोया डिजीज है, स्लीप एपनिया है, ये वो बीमारियां हैं कि कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड होती हैं। सीपी चाइल्ड है, एमआर चाइल्ड है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ये सब वो बच्चे हैं जो बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड हैं। आप ध्यान दीजिए कि इन सब में माइंड में हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है और उस बीमारी से जितना जल्दी हो सके हमें निकलना है और अपने परिवार को देखिए, आप अगर बीमार रहेंगे तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, आप जगह जगह भागेंगे, जगह जगह भटकेंगे लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा।
आप जगह जगह लुटेंगे, आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा वो आपको एडवाइस देगा कि आप फलाने, उसको पता नहीं है बीमारी क्या है, वो उसका एक्सप्लेनेशन जानता ही नहीं है, वो उस बीमारी को कभी देखा ही नहीं है, उसने उस बीमारी को कभी महसूस नहीं किया, लेकिन आपको एडवाइस दे देगा कि भैया आप उस जगह चले जाओ आप ठीक हो जाओगे, चाहे वो उस जगह जाओगे और वो डॉक्टर या वो चिकित्सक या वो व्यक्ति वो उस बीमारी का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा आपको एडवाइस मिल जाएगी, आप उसके कहने से वहां चले जाओगे, अपने पैसे बर्बाद करके आ जाओगे और आपको वहां से कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान दीजिए, आपको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है, मस्त रहना है, वो आपके अपने लिए ही है, सामने वाले के लिए नहीं है, क्योंकि जिंदगी आप अपने लेवल पर जी रहे हैं कि सामने वाले के लेवल पर। तो आप अपना जब भी किसी को चुने तो बहुत ध्यान से चुने, अच्छा व्यक्ति चुने, वो आपके साथ अपने परिवार के जैसा व्यवहार करे कि हाँ ये मेरे परिवार का एक सदस्य है, इसका भी ठीक होना बहुत जरूरी है जितना मेरे परिवार का और मेरा ठीक होना जरूरी है। तो इसी के साथ आप पैनिक अटैक को समझिए, पैनिक अटैक ठीक करने की दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसके माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, आपका पैनिक अटैक तुरंत ठीक हो जाएगा और धीरे 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 उसको अल्टरनेटिव थेरेपी में लेके आओ। हमारी फिर बोल गया मिसेस लक्ष्मी कुमार, अरे बोलते बोलते दादी भी तो निकल जाता है, ठीक है। हम मिसेज लक्ष्मी कुमार जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन चीजें आपको समझाई, आपको बताई, और आप इस चीज को समझे, और हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। आगे सीरीज में हमारी में आप हमारे साथ बने रहेंगे और लोगों को हमारे बारे में बताएंगे कि और आप समझेंगे कि आपको बीमारी से कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे हम एलोपैथिक दवाइयों का कम से कम आपके जो खाने में प्रयोग होता है उसको कम करें, क्योंकि हैवी एंटीबायोटिक आपकी किडनी फेल कर सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम कर सकती है, लीवर की प्रॉब्लम कर सकती है, आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे सकती है, क्योंकि एलोपैथिक दवा के साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं और एलोपैथिक दवा के साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, वो तो निश्चित है। देखिए अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है तो सबसे पहले उसके साइड इफेक्ट कोई रोकने की क्रिया दुनिया में चल रही है और यही देखा जा रहा है कि ठीक तो होगा ही होगा व्यक्ति, लेकिन ठीक होने से पहले उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो किसी भी चीज को लेने से पहले उसके साइड इफेक्ट में जानने का आपका अधिकार है, आपका ये एक फर्ज बनता है कि आप उसको देखें। और हम तो भगवान से यही कहेंगे कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे और आपको हमेशा खुशी रखे। नमस्कार।